ओए वीडियो शुरू हो गया। ओ लो हो गया फेस रिवील। मन तो कर। सो हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड मेरे ख्याल से तुम लोगों ने वन पीस फिल्म रेड तो देख ही ली होगी। कम्युनिटी में तो तुम लोग काफी कह रहे थे कि मूवी काफी अच्छी है, बट ना, क्या मूवी सही में उतनी अच्छी थी? वेल वो बात की बात है, बट यार इस मूवी को देखने में जो झमेला हुआ है ना, फर्स्ट ऑफ हम लोग लिटरली 30 लोग गए थे मूवी देखने, दोस्तों के दोस्तों के दोस्त को इन्वाइट किया था, और तो ये सब प्लानिंग मूवी आने के एक महीने पहले से चल रहा था। फिर आता है अक्टूबर, बट पता नहीं क्यों मूवी की बुकिंग अब तक स्टार्ट ही नहीं हुई थी। मूवी थी 7 तारीख को और बुकिंग स्टार्ट होता है 6 तारीख को। लेकिन अब एक बड़ा प्रॉब्लम आता है, मूवी रात के 8 बजे थी और जहाँ मूवी लग रही थी वो भी काफी दूर था, बेसिकली आते आते रात के 12 बज जाते। जो हमारे 30 लोगों का गैंग था ना, सब ने मना कर दिया। अब बस एक ही रास्ता था, नहीं मैं अकेला मूवी देखने नहीं गया। मूवी वाले दिन हम लोग सुबह भाग कर पीवीआर जाते हैं कुछ तो एक छोटी सी उम्मीद लेकर। अब सुनो बॉक्स ऑफिस में क्या होता है। मैंने उन दीदी जी को पूरा सिचुएशन समझाया। एक्चुअली मेन मोटिव कन्विंस करना नहीं था, बस पूछना था कि मूवी की टाइमिंग इतनी खराब क्यों है। और फिर उन्होंने सिर्फ एक ही चीज कहा, मूवी की टाइमिंग चेंज कर दी जाएगी शायद। मतलब उन्हें खुद ही नहीं पता था, और ये भी बस कहने की बात है। लेकिन फिर तुम्हारे भाई ने यूज किया ट्रंप कार्ड। याद है मैंने बताया था कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरोज वाली मूवी में हम लोग बस 2 लोग गए थे मूवी देखने और पूरा सिनेमा हॉल खाली था। इस कारण से उन्होंने मूवी दिखाने से मना कर दिया था कि नहीं, सिर्फ 2 लोगों के लिए स्क्रीन ऑन नहीं होने वाला। हाँ बट वो बात अलग है कि हमने जबरदस्ती मूवी देख ही लिया। लेकिन इस बार मैंने साफ कह दिया कि हम लोग 30 से 40 लोग हैं, और ये सुनने के बाद उनके कान खड़े हो गए। उन्होंने साफ एक ही चीज कहा कि एक काम कीजिए, आप हमारे मैनेजर से बात कीजिए। फिर आता है मैनेजर भाई, पूरा सिचुएशन समझाने के बाद वो कहते हैं, आप लोगों के लिए मैं मूवी को 10 अक्टूबर को सुबह रख सकता हूँ अगर आप लोग सही में उतने लोग हैं, लेकिन इसके लिए भी मुझे अपने एग्जीक्यूटिव से बात करना होगा। आप लोग मुझे बस विश्वास दिलाइए कि आप लोग सही में उतने लोग हैं। अब यार मेरे दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था, कैसे। अब मेरे दोस्त ने पता नहीं कैसे 16 लोगों का इंतजाम कर लिया। अगले दिन हम लोग वहाँ दोबारा जाते हैं, लेकिन इस बार 16 लोगों को लेकर प्लस पैसों के साथ। अरे वही तो मेन है। अब मैनेजर भाई फिर आते हैं, लेकिन इस बार उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि हाँ ये लो मूवी तो पक्का देखेंगे। वे हमें बताते हैं कि हमारे लिए उन्होंने 9 तारीख संडे को एक स्पेशल स्क्रीनिंग रख दिया है सुबह के 9 बजे। उन्होंने उस टाइम हमसे ना ही पैसे लिए बल्कि 30 सीट रिजर्व भी कर दी। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि यार ये आदमी भगवान है क्या। तो ये डिसाइड हुआ कि सारे लोग मेरे घर आ जाएंगे सुबह 7:30 बजे। बट फिर मुझे शाम में मैनेजर भाई कॉल करते हैं, आओगे ना पक्का? मैंने कहा हाँ। ओ हाँ बाय द वे मूवी 10 बजे। वेल हु केयर्स, उतना कुछ खास अंतर तो नहीं है, है ना? नहीं, 4 लोग कम हो गए एग्जाम के कारण। लेकिन फिर आसमान से फरिश्ता गिरता है, सब्सक्राइबर। बहुत ही सही टाइमिंग पे उनका डेबिट कार्ड खराब हो गया और मैंने उनके लिए सीट बुक कर दिया। एंड या एक और चीज, अब क्योंकि इतने सारे लोग आ रहे थे तो सीट के लिए भसड़ तो पक्का मचना था, इसलिए हम लोगों को सीट अलॉट करना पड़ा उन लोगों के लिए। वैसे ये बात मैं मेंशन नहीं करता, पर सुनने में बहुत कूल लग रहा है। लाइक कौन सा बंदा किसके साथ बैठेगा और एक स्पेसिफिक रो को कौन संभालेगा। मुझे अभी भी याद है जो सब्सक्राइबर्स आ रहे थे उनके के लिए हम लोगों ने E26 और E27 को बुक करा था, एंड F15 को हमने एक लास्ट पर्सन को दिया था। अब बस एक ही चीज बच गया था, इंतजार। यार यही तो नहीं होता, एक तो रात को मेरे को नींद ही नहीं आती। खैर देर से सोने के कारण मैं 7 बजे उठा। मेरा एक दोस्त तो 7:30 बजे मेरे घर आ गया था। फिर एक का नखड़ा अलग, वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि उसको घर से कार ही नहीं मिल रहा था। अबे पागल है। खींच खाच कर कैसे ना कैसे हम लोग फाइनली पीवीआर पहुंचे। तो जो भी लोग मुझे इंस्टा में फॉलो करते हैं उन्हें तो मालूम ही होगा कि हम लोग कॉस्प्ले करने वाले थे। मेरा तो एक दोस्त लिटरली पूरा लॉ बन के गया था, उसने तो लॉ का कटाना भी बना लिया था जो कि बिल्कुल एक्यूरेट था। एक दोस्त ने एस का हैट पहना था, और यार मैं तो लूफी बन के गया था, और जो भी लोग मिल रहा था वो तो या तो हैट के पीछे पड़ा है या तो कटाने के पीछे। लेकिन यहाँ पर एक अनएक्सपेक्टेड चीज होता है, सिनेमा हॉल में एक और लूफी का एंट्री होता है, एंड टू बी ऑनेस्ट उसका जो कॉस्प्ले था वो ज्यादा एक्यूरेट था। बस एक ही दिक्कत था कि वो फीमेल थी। एनीवेज यहाँ पर एक भयंकर चीज होता है, हमें स्वॉर्ड अंदर ले जाने का परमिट मिल जाता है फाइनली। मतलब सही में यार कमाल हो गया। और मेरे को ये मालूम पड़ा कि रांची का अपना एक एनिमे ग्रुप भी है, मतलब मेरे को कोई इसके बारे में बताया क्यों नहीं। और तो वो लोग वन पीस के कार्ड्स भी बांट रहे थे, हालांकि मेरा कार्ड तो खो गया। उसके बाद मैं अपने दोस्तों का कार्ड लेकर दूसरों को बांट दिया।
अब यहाँ पर ना भयंकर फैन मीटअप होता है इंटरवल में। जब मैं वॉशरूम में था तब मेरे बगल वाला मेरे को देख रहा होता है, मैं उसको देख रहा होता हूँ, वो मेरे को देख रहा होता है। इतना ज्यादा ऑकवर्ड था ना यार ये। लेकिन फिर वो बोलता है, रूफिकुन। मैं बोलता हूँ हाँ मैं ही तो हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा फैन मीटअप ऐसा होगा। आगे मैंने ये नोटिस करा कि अपने जो मैनेजर भाई है वो हम लोगों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब टॉयलेट में नहीं सिनेमा हॉल में। उनको लग रहा था कि हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन से हैं, वे हम लोग से पूछते भी हैं। मन तो कर रहा था कि बोल दूं हम लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट्स से आए हैं, बट ना। बट यहाँ मेन चीज ही मुझे उतना पसंद नहीं आया, मेरा मतलब मूवी से है। चलो, साइंस के कैरेक्टर को ठीक वैसे यूज किया गया जैसा कि मैंने सोचा था, मतलब एक्चुअल स्टोरी के हिसाब से ना साइंस को हाइप में रखना जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स मूवी नॉन कैनन है, यानी कि साइंस और लूफी नहीं मिलेंगे, ये भी हमें मालूम था। लेकिन इसके बावजूद भी मूवी में साइंस को एज अ मेन मार्केटिंग उसके कैरेक्टर को काफी अच्छे से यूज किया गया है। ज्यादातर वन पीस मूवीज की तरह इसमें भी वही रेस्क्यू प्लॉट है, बट पता प्रॉब्लम कहां आता है? स्टोरी टेलिंग और प्लॉट में पूरा मूवी एक मिसअंडरस्टैंडिंग में था। एंड अल्टीमेटली मूवी का जो एक्चुअल विलन है वो कोई भी नहीं था। मूवी में गाना बहुत है, बट चलो इसको हम लोग साइड में रखते हैं। गाना वैसे भी काफी अच्छा था, सारे के सारे गाने अच्छे थे, बस एंड वाला मेरे को पसंद नहीं आया। बट नेवर माइंड दैट, अगर पूरे मूवी में से गाना हटा भी देंगे ना तब भी वो स्टोरी में दम नहीं आता है। लेकिन हाँ, ये मूवी एक काफी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फुलफिल करता है जो कि है एंटरटेनिंग। हाँ, ये मूवी काफी ज्यादा एंजॉयबल है विद सम ग्रेट एनिमेशंस, एंड या इट डिजर्व दैट हाइप। इस मूवी में तुम बोर हो ही नहीं सकते, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। बट कहीं कहीं पे मूवी में CGI का यूज किया गया है, एंड आई नो मूवी में कुछ ऐसे सीन्स और कैरेक्टर्स हैं जिनको ड्रॉ करना मुश्किल है, वहाँ पे CGI यूज करने का सेंस बनता है। लेकिन ऊता के डांस में यूज क्यों किया? लेकिन चलो, बाकी का एनिमेशन इसको बचा लेता है। एंड या डिस्पाइट हैविंग अ वीक प्लॉट एंड स्टोरी लाइन, ये मूवी तब भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जस्ट बिकॉज ये मेरे दिल के काफी करीब है, क्योंकि ये वो मूवी है जो कि मुझे वो दिखाया जिसका मैं सपना देखा करता था, यानी कि उन सभी लोगों से मिलना जो कि मेरी ही तरह वन पीस फैंस हैं। और यार, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मोमेंट था ना मेरे लाइफ का जो कि मैं कभी भूल ही नहीं सकता। एंड या स्पेशल थैंक्स टू रत्नदीप, अगर वो नहीं होता तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। एंड या अ बिग शाउट आउट टू अस्मित द व्लॉगर सब चीज रिकॉर्ड करने के लिए। और अब फाइनली अ बिग थैंक्स आप लोगों के लिए, अगर आप लोग नहीं होते तो ये सब कभी स्टार्ट ही नहीं होता। लेट्स गो। मूवी कैसा लगा? म्यूजिकल, डिज्नी म्यूजिकल, एक नंबर, बहुत मस्त था। अच्छा था वन पीस। थैंक्स कहाँ गया सब? अभी इंटरवल ले जाते काइजो कूनी।